हमारे जो एक्सपर्ट है वरेन खन्ना जी, वो जो है हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट है, नोटेड इन्वायरमेंटलिस्ट है, हमारे साथ हैं। और हमारे साथ डॉक्टर मनीषा हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम में आज आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल जो है इंफॉर्मेशन देंगे। और वो काफी सालों से बच्चों के साथ इंटरेक्टिव प्रोग्राम करती आ रही हैं। तो हम आज अपने एक्सपर्ट्स का, दोनों का स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। और मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगी आरती मैम का और रेणुका मैम का, जिनकी वजह से हम लोग आज आपके साथ ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं। तो मैं आप रिक्वेस्ट करूंगी हमारी जो फर्स्ट एक्सपर्ट है डॉक्टर मनीषा से, कि वो इस प्रोग्राम में अपना जो पार्ट है, जो बताना चाहते हैं आज बच्चों के साथ इंट्रैक्शन करना चाहते हैं, उससे स्टार्ट करें। रिंकी, वीडियो आप शेयर करेंगे जो या वीडियो श्योर। है? तो सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, आपने ये वीडियो जो है ध्यान से देखना है और आप समझने की कोशिश कीजिए क्यों हम ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। मैम आप आ रही है? ये देखिए आइस टी और इसके साथ ये बॉटल फ्री है। फ्री चाहिए तो नहीं मुझे ये। अरे ले लो, मुफ्त की मिल रही है, क्या काम आएगी? पानी भरिए इसमें। चलो दे दो भैया, फ्री है। फ्री टमाटर में डाल दे? नहीं नहीं अलग दो, घर जाके मुझे आसानी रहेगी। ठीक है मैम। और ये टिंडा है इसमें? टिंडा भी नहीं, नहीं टिंडा भी अलग करो। अलग मैम आपका? नहीं इतना ही है, ये सारे को एक बड़ी पन्नी में कर दो। और धनिया मिर्ची? धनिया मिर्ची भी जरा अलग में डालना। अच्छी होगी। तो ये सारा मिला के एक पन्नी में डाल दे? बड़ी वाली में डालो। बड़ी वाली डबल कर देना, फट ना जाए कहीं। Yeah. Look, this plastic one is so cool. Let's take it. Yeah, 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 yeah. And this one.
So video अभी end हो गया है. Can we start the presentation? तो आप सभी ने ये video देखा. क्या आपको लगा कि ऐसी जीवन शैली का हमारे पर्यावरण पे कुछ बुरा असर पड़ सकता है? आज मैं आपको zero waste lifestyle के बारे में बताऊंगी. क्या है ये जीवन शैली? यह एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें जैसे पुराने तरीके में लोग जीते थे उस तरह का जीवन व्यतीत किया जाता है. आप अपनी नानी दादी से बात करके देखिएगा, क्या वो बाजार से पन्नियों में सामान लाती थी या फिर उन्होंने कभी प्लास्टिक की पैकेजिंग में दाल या चावल देखा भी था? आप बच्चे शायद वर्तमान में जो सुख सुविधा मिल रही है ऐसे जीवन को त्यागना नहीं चाहोगे, लेकिन हम अपनी दैनिक दिनचर्या में इतना अधिक कचरा उत्पन्न कर रहे हैं कि अगर इस तरह से चलता रहा तो हमारे शहर बहुत जल्दी ही कूड़े के ढेर बन जाएंगे. अगर हम अपने शहरों को कूड़े के ढेर से बचाना चाहते हैं तो हमें जीरो वेस्ट जीवन शैली को अपनाना होगा. आपको अब समझ में आया कि जीरो वेस्ट जीवन शैली क्या है? Yes, ma'am. बच्चे म्यूट हैं? नहीं, बच्चे म्यूट नहीं हैं. Yes, ma'am. बच्चों को और वीडियो का आपको ऑडियो सुन रहा था? Yes, ma'am. ऑडियो सुना था ना, तो आपने देखा कि क्या करते हैं लोग, कैसे पन्नियों में अलग 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 करके चीजें लेते हैं और जब फ्री मिल रहा है तो कुछ भी लेंगे, चाहे काम आएगा नहीं आएगा. पर हम सब यही करते हैं, ऐसा नहीं कुछ लोग कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं. इसीलिए तो इतना ज्यादा कूड़ा हमारे शहरों में इकट्ठा होता जा रहा है. अब मैं आपको जो बता रही हूं वो है जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल. इसके 5 सिद्धांत हैं. रिफ्यूज यानी मना कर दीजिए, रिड्यूस इसका मतलब कम करें, जो चीज आपकी ठीक है आप करते हैं इस्तेमाल, नहीं उसके बिना काम चल रहा थोड़ा कम कर दीजिए. रीयूज मतलब कोई चीज टूट गई है, खराब हो गई है, कैसे उसे किसी और तरह से इस्तेमाल कर लें, या कोई जैसे अगर मान लीजिए आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, फ्रिज खराब हो गई, ठीक कराने की कोशिश करिए. नहीं ठीक होता तो ठीक है, नई खरीदनी ही पड़ेगी. अगर ठीक हो सकती है तो कोशिश करें कि वो ठीक करा के हम उसी से काम चलाएं. उसके बाद आता है रिसाइकल और लास्ट में है कॉम्पोस्ट, या जिसे हम रीजेनरेट भी कह सकते हैं. इसीलिए जीरो वेस्ट के 5 R कहे जाते हैं. इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ऊंचा स्थान जो है वो रिफ्यूज का है, यानी मना करें, मत इस्तेमाल करें जिसके बिना काम चल सकता है. उसके बाद आता है रिड्यूस यानी कम इस्तेमाल करें. रिड्यूस के बाद आता है रीयूज यानी दोबारा इस्तेमाल करना. इसके बाद इसमें तो रिसाइकल लिखा है और पीछे उसके नीचे रॉट है. मेरे हिसाब से रॉट या रीजेनरेट रिसाइकल से भी पहले आना चाहिए. और लास्ट में आता है रिसाइकल. बहुत से लोग हैं जो ये समझकर प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल करे जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं रिसाइकल हो जाएगी, परंतु दुनिया में जितना भी कूड़ा उत्पन्न होता है उसका बहुत ही कम प्रतिशत रिसाइकलिंग के लिए जाता है. ऐसी चीजें, कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनको जो हम एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, ऐसी चीजें हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं लानी चाहिए. सबसे पहले है प्लास्टिक की पन्नियां. अब प्लास्टिक की पन्नियों का ना इस्तेमाल करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? पेपर बैग, पॉलिथीन बैग यूज कर सकते. पॉलिथीन बैग तो यूज नहीं करना है हमें, तो हम कपड़े के थैले कर सकते हैं ना,
और इसमें भी आप नए कपड़े का थैला बनाएं, इससे बेहतर है कि घर पे कितनी बार पुराना कपड़ा होता है, कोई कपड़ा है आपका छोटा हो गया या बहुत फिट गया, आप उसके कपड़े के थैले बना सकते हैं। पुराने कपड़ों के थैले बनाइए बजाय इसके कि बाजार से नया कपड़ा खरीदा और उसके थैले बनाए। पानी की बोतलें बाजार से लेने की जगह अपने साथ स्टील की बोतल लेकर जाइए, पानी भरकर लेकर जाइए। अगर कभी भूल गए तो थोड़ी देर मत पियो पानी, कोई बात नहीं, अपने आप को प्यास लगेगी ना बाहर तो याद रहेगा, अगली बार की बोतल छोड़ के नहीं जानी है, स्टील की बोतल घर से पानी भर के लेके जाना है। कपड़े, हम लोग सिंथेटिक कपड़े भी पहनते हैं, सूती कपड़े भी पहनते हैं, तो कौन से कपड़े बेहतर होते हैं हमारे लिए? सूती कपड़े हमारे शरीर के लिए भी बेहतर होते हैं। और क्या आप बच्चों को पता है कि जब सिंथेटिक कपड़े हम धोते हैं तो उसमें से माइक्रोप्लास्टिक्स रिलीज होते हैं। माइक्रोप्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे कण जो आपको आंखों से नहीं दिख रहे लेकिन वो पानी के साथ निकल कर जाते हैं, और जब वो पानी के साथ जाते हैं तो वो जो एक तरह से जो वॉटर साइकिल है उसका हिस्सा बन जाते हैं, और जब वाटर साइकिल का हिस्सा बनेंगे तो वापस आपके शरीर में आएंगे किसी ना किसी तरह से। मैम जैसे पानी में जाएंगे और वहां से जो खाना सब्जियां उगेगी उनके साथ वापस आपके शरीर में आएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आप खाने के साथ माइक्रोप्लास्टिक खाएं? अगर ऐसा नहीं चाहते तो सिंथेटिक कपड़ों का इस्तेमाल कम करें, जो है उसको फेंकने के लिए कोई नहीं कह रहा, नया मत खरीदिए ऐसी चीजें। प्लास्टिक की स्ट्रॉ तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से लोग नारियल पानी पीते हैं, रोज सुबह वॉक करने जाते हैं उसके बाद नारियल पानी पीते हैं, और रोज सुबह सुबह जाकर सबसे पहले तो एक स्ट्रॉ फेंक दी और उसके बाद वहां नारियल वाले से उसके नारियल के अंदर की मलाई निकलवाई, उसको पन्नी में डलवाई और वो घर आ गए लेकर आए, तो दिन की शुरुआत में ही आपने इतना कूड़ा जनरेट कर दिया। इसकी जगह आप बिना प्लास्टिक के स्ट्रॉ के भी सीधा पी सकते हैं नारियल से, और अगर आपको नहीं पिया जाता ऐसा, एक ग्लास लेकर जाइए अपने साथ, ग्लास में पलट लें और फिर उससे पी लीजिए। अगर आपको नारियल की मलाई लेकर आनी है अपने साथ, थैले में कुछ कंटेनर लेकर जाइए, तो इसमें आप देखिए कि ये चित्र आपको दिख रहे हैं। यस मैम। इन चित्रों में आप देखिए कि प्लास्टिक किस तरह से समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचा रहा है। पैसिफिक ओशन में हर साल मछलियां 12,000 से 14,000 टन। दिख रही क्या? दिख नहीं रहा या सुन नहीं रहा? दिख रहा। फिर सुन नहीं रहा? यस मैम। आप सुनाई दे रहे हैं? आप सुन रहे? ठीक है, मैं थोड़ा इसके पास आकर बोलती हूँ। जो मैं आपको बता रही थी कि मछलियों के शरीर के अंदर बहुत प्लास्टिक जा रहा है, जब प्लास्टिक उनके शरीर में जाता है समुद्री जीवों के अंदर तो या तो वो उनके गले में फंस जाता है और उनकी उससे मौत हो जाती है। एक के ऑलिव रिडली टर्टल का चित्र कुछ वक्त पहले बहुत इसके वीडियोस आए थे जिसमें उसकी नाक में एक स्ट्रॉ फंसी हुई थी। ऐसे ही जब उनके शरीर के, मान लो अगर अंदर चला गया तो उनकी आंतों में घाव हो जाते हैं इससे और वो मर जाते हैं। अब ये देखिए कितना कूड़े का ढेर, इसको लैंडफिल कहा जाता है। आपने देखा कैसे पक्षियों के मुंह के ऊपर, हिरण के ऊपर पन्नियां फंसी हुई हैं, चिप्स का पैकेट हिरण के मुंह के ऊपर है। हर साल कितनी ही गायें प्लास्टिक पेट में जाने की वजह से मर जाती हैं। ठीक है, ये अगली स्लाइड में आप देखिए। अभी तो मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल मत करिए, तो फिर उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं? ये आपने देखा ऊपर नीम के दातुन है, ये नीम के दातुन जो है अगर इनका इस्तेमाल करें तो एक तो देखिए आप टूथब्रश जो प्लास्टिक का फेंकते हैं इस्तेमाल करके वो कचरा होना बंद हो गया। इसके अलावा नीम का दातुन सेहत के लिए भी अच्छा होता है, सेहत भी अच्छी रही, कचरा भी नहीं हुआ और पैसा भी नहीं खर्च हुआ। बाकी आप देखिए जैसे केले के पत्ते में खाना दक्षिण भारत में परोसा जाता है। इसके अलावा और भी कई पेड़ हैं जिनकी पुरानी जो पत्तियां होती हैं उनसे पत्तल बनते हैं। कुल्लड़ में चाय कई लोगों ने पी होगी, कुल्लड़ पत्तल ये सब चीजें जो होती हैं इनको मिट्टी में दबाया जा सकता है और ये खाद बन जाती है, तो किसी तरह का पर्यावरण को नुकसान नहीं हुआ इसकी वजह से। अब ऐसी चीजें जिनका आपको इस्तेमाल
कम करना है। जरूरत की चीजें हैं, आप मना नहीं कर सकते इनको इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन आपको इनका इस्तेमाल कम करना है। स्कूल की किताबें तो सबको चाहिए, नई स्कूल की किताबें मत खरीदो, अपने फ्रेंड से जो आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आप पुरानी किताबें ले सकते हैं। एक जो किताब होती है ना, उससे कम से कम 10 बच्चे पढ़ सकते हैं, और बजाय इसके कि एक जने ने किताब पढ़ी, उस पर खूब लिखा पेंसिल से, खूब रंग किया और इतनी खराब हो गई वो किताब, 2-4 पन्ने भी फाड़ दिए उसके, और वो इतनी खराब हो गई कि वो फिर रद्दी में दे दी। उससे अच्छा है कि अच्छी तरह से साफ सफाई से अपनी किताबें रखिए, उसमें मत लिखिए, साथ में नोटबुक रखिए उसमें लिखें, और कई बच्चे उसी किताब को इस्तेमाल कर लें। कहानी की किताबों के लिए आप कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग मिलकर एक समूह बना सकते हैं जो आपस में किताबें, कपड़े, ऐसी चीजें का आदान प्रदान करें, जिसको जरूरत है उसको दे दें, जिसको जरूरत नहीं है वो ऐसे जने को दे दें जिसे जरूरत है। अपने बड़े भाई बहनों के जो कपड़े हैं गर्व से पहनिए, क्योंकि आप पर्यावरण की रक्षा करने में बहुत ही अहम सहयोग दे रहे हैं। पैकेज्ड खाना जो होता है, जैसे चिप्स हो गए, आपके जूसेस हो गए, चॉकलेट या टॉफी हो गई, थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा फल सब्जी खा लें उसकी जगह। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मान लीजिए टूट गए हैं, तो उनको आप दोबारा कैसे इस्तेमाल करें या कैसे चीजों को रिपेयर कराएं। ग्लास और मेटल के कंटेनर्स में आप दाल, चावल, चीनी रख सकते हैं। आपके अगर कुछ कप टूट गए तो उसमें गमले लगा लीजिए, फूल रख लीजिए, पुराने कपड़ों को थोड़ा नया बना लीजिए, पुराने कपड़ों के डस्टर बना लीजिए। ये सब चीजें तो हमारे घरों में बहुत पहले से होती आ रही हैं। हमें ये चीजें करते रहना है, ये नहीं कि अब आजकल इन चीजों का फैशन नहीं है, हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये रिपेयर कर रहे हैं, ये खराब हो गया है, इसको ये ठीक कर रहे हैं। अब ये हम बात कर रहे हैं रिसाइकल की। रिसाइकल हम, मैंने आपको समझाया था कि जब वो सब चीजें नहीं हो सकती तभी हम रिसाइकल के लिए करते हैं। क्या ऐसी चीज है जो रिसाइकल सबसे ज्यादा करनी चाहिए? पानी। पानी की बहुत कमी हो रही है और आगे तो और ज्यादा होती जाएगी। वॉशिंग मशीन का जो पानी है उसे आप इकट्ठा कर सकते हैं, उससे धुलाई कर लीजिए, पोछा लगा लीजिए, इस तरह के काम के लिए इस्तेमाल लीजिए, कार धोई जा सकती है उससे। और बाकी सब चीजें जो है, जैसे न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड, CFL बल्ब हो गए, बैटरीज हो गई, ये सब चीजें रिसाइकलिंग के लिए जगह होती हैं, जहां रिसाइकलिंग का सामान इकट्ठा किया जाता है, उनको दे दीजिए। अब ये नेक्स्ट, इसमें आप देखिए कैसे ऑटोमोबाइल स्क्रैप से फर्नीचर बनाया गया है, कैसे पुराने टायर का फर्नीचर है, या उसका उसमें पौधे लगाए गए हैं, या उसका झूला बनाया गया है। अब जो अगली चीज मैं आपको बता रही हूं है वो है कंपोस्ट बनाना, यानी रीजेनरेट करना। फल और सब्जियों के छिलकों से किस तरह से हम खाद बना सकते हैं। खाद के लिए आप फल और सब्जियों के छिलके फेंक दीजिए, चाय की पत्ती, अंडे के छिलके, सूखी हुई पत्तियां, लकड़ी का बुरादा, जो घास काटी गई है, या न्यूज़पेपर फाड़ के वो भी उसमें डाल सकते हैं। अब ये जो बेनिफिट क्या है हमारा कंपोस्ट करने का, जब ये सब जैविक कूड़ा आपका लैंडफिल में जाता है तो उससे मीथेन गैस उत्पन्न होती है। अगर आप हर कोई अपने घर में थोड़ा थोड़ा कंपोस्ट करेगा, घर से कूड़ा नहीं फेंकेगा, तो मीथेन जो उत्पन्न हो रही है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। और ये जो खाद होती है कंपोस्ट, ये मिट्टी में मॉइस्चर रोकने में मदद करती है, और केमिकल फर्टिलाइजर जो हम ऐड करते हैं मिट्टी में उसकी जरूरत कम कर देती है। ये कंपोस्टिंग घर में कैसे करा जा सकता है ये दिखाया गया है। ऐसा खंबा भी ले सकते हैं, इसे खंबा कहते हैं, या 3 गमले लेकर उससे कर दीजिए। 3 गमले हैं, उसमें छेद कर दिए और उसके बाद उसमें जैविक जो भी कूड़ा है अपना, फल सब्जी के छिलके डालते गए, सूखी पत्तियां डाल दी, चाय की पत्तियां डाल दी, ये सब चीजें डालते रहे, जो भर गया नीचे कर दिया, और जैसे जैसे उसमें कंपोस्ट बनती गई वो नीचे जाता जा रहा है, ऊपर आप और भरते जाइए। एक और तरीका है, आपने देखा है ना हमारे यहाँ कितनी भूखी गाय घूमती रहती हैं, स्ट्रे गाय घूमती रहती हैं वहां पर। अगर आप रोज अपने घर की सब्जी छिलका इकट्ठा करके अगर उस भूखे जानवर को दे दें तो उसका पेट भी भरेगा
और उसके साथ साथ आपको एक तरह से खाद मिल जाएगी जो मिट्टी में इस्तेमाल की जा सकती है। तो आप सबको समझ में आया आज जो चीजें आपको बताई गई कि किस तरह से लोग अपनी जीवन शैली को जीरो वेस्ट बना सकते हैं। बिल्कुल जीरो वेस्ट नहीं हो सकता, ये तो कहने की बात है कि जीरो वेस्ट हो गया, बिल्कुल जीरो वेस्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन कम तो करा, जितना हो सकता है कम तो करा हमने। ये जरूरत है कि हर जना, हर बच्चा इस इतनी बड़ी जो समस्या है उसको कम या खत्म करने के लिए अपना थोड़ा थोड़ा योगदान करे। अगर आप लोग एक एक छोटी छोटी चीज भी करेंगे तो बहुत मदद मिलेगी हमारी जिंदगी में से कूड़ा खत्म करने की। आप कोशिश करिए कि आपके घर से कम जाए, ठीक है? समझ में आया बच्चों? मैम आई एम भविष्य, आई एक्सप्लेन वन थिंग। आप कुछ शेयर करना चाहते हैं बच्चों के साथ? यस मैम। हाँ बताइए क्या शेयर करना चाहते हैं? जैसे मैम मोदी जी ने काफी पैसे दिए थे मैम यमुना गंगा को साफ कराने के लिए, मैम लॉकडाउन के बाद मैम कोई कूड़ा नहीं फेंक रहा था मैम, इसकी वजह से काफी एनवायरमेंट में चेंज आया है। वो चेंज जरूर आया है, लेकिन लॉकडाउन तो खत्म हो गया और हम वापस अपने पुराने ढर्रे पर आ गए हैं, तो हमें क्या बदलना है कि हम अपना रहन सहन बदलें जिससे कि कूड़ा जेनरेट ही ना हो। समझ में आया? अब मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ पूछे बेटा। मैम आपने आखिरी में बताया कि इससे जो गाय का जो हमारे घर का जो किचन वेस्ट होता है वो हम उसे भी दे देंगे और हमारे लिए खाद भी बन जाएगी। मतलब खाद कैसे बनेगी? गाय का जो गोबर होता है ना उससे खाद बनती है, उसको मिट्टी में मिलाकर उससे खाद बनती है। और पहले तो खेती में इसी खाद का इस्तेमाल किया जाता था। किसी नर्सरी में कभी जाकर कुछ पूछना चाहती हूँ, किसी नर्सरी में कभी जाकर देखना वो ना गाय के गोबर को मिट्टी में मिलाकर कैसे खाद बनाते हैं। दयालबाग में अभी भी यूज होती है। पूछे बेटा और कौन पूछना चाहता है? मैम मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ नाम बताइए। तनु कुमारी। यस मैम बताइए। मैम जो लैंडफिल्स है वो हमारे लिए यूजफुल होती है कि हार्मफुल होती है? बेटा कूड़ा कहीं तो डालेंगे ना, तो वो कूड़ों को लैंडफिल्स में भरा जाता है क्योंकि कूड़ा इतना ज्यादा है कि ये बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लैंडफिल्स हो जाती हैं। पर अगर हर जना थोड़ा थोड़ा सा अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करे कि हम भाई हम चिप्स ने कम खाएंगे, तो हमने अपनी तरफ से तो वो जो चिप्स के पैकेट है लैंडफिल में जाते हैं वो हमने कम कर दिए ना। एक एक चीज भी अगर हम कम करेंगे तो कितना फर्क पड़ जाएगा। बेटा लैंडफिल्स के बिना आज कल गुजारा नहीं है क्योंकि कचरा कहाँ जाएगा? हम सबके घरों के पास तो हम नहीं अलाउ करेंगे ना कि यहाँ कूड़ेदान में पड़ा रहे, तो वो हम कहेंगे कि सरकार कुछ काम नहीं करती। तो सरकार सारा कूड़ा इकट्ठा करवाती है और एक जगह उसे लैंडफिल में दबवा देती है। जब एक लैंडफिल भर जाती है तो दूसरी लैंडफिल बनाई जाती है। पर लैंडफिल हमें कोई फायदा नहीं, फायदा क्या कर रही? हमारे सामने से कूड़ा उठवा कर कहीं और डलवा रही है। हमें अपना रहन सहन ऐसा करना है कि कूड़ा कम से कम हो जिससे लैंडफिल ना बने। Okay, ma'am. Thanks. मैं बस एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी तनु आपके जो क्वेश्चन में कि आप काफी गवर्नमेंट के पास एक ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए हैं जिससे वो लैंडफिल में जो कूड़े का ढेर इकट्ठा हो जाता है उसको भी वो जो है डिस्पोज करने की जो है मशीन्स के थ्रू जो है कोशिश कर रहे हैं। इसका एग्जांपल है कि गाजीपुर में आपने एक लैंडफिल बहुत बड़ा हो गया था, कूड़े का ढेर पहाड़ बन गया था, तो इस टाइम जो वहां पे एमपी हैं गौतम गंभीर वो उसको उस वेस्ट जो बड़ा सा पहाड़ बन गया था उसको मशीन्स के थ्रू प्रोसेसिंग करवा रहे हैं ताकि उसको कम किया जा सके। तो कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, बट जो आपका अभी हमारी एक्सपर्ट है डॉक्टर मनीषा उन्होंने बताया कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है कूड़े को डिस्पोजल जब उसका डिस्पोजल करें तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें, और कूड़ा अगर होने ही नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो अगर जड़ से खत्म कर दिया जाए तो प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं, तो ये हमें सोच के आगे बढ़ना है। और किसी का कोई क्वेश्चन है बताइए।
जैसे आपने बोला था कि हम किचन वेस्ट से कंपोस्ट बना सकते हैं, तो हम वो घर पे भी बना सकते हैं? हाँ, घर पे भी बना सकते हैं मैम। ओके मैम, वो मैं आपको अगली बार बताऊंगी कि कैसे घर पर आप कंपोस्ट बनाएं। हाँ, अभी वैसे हमारे एक एक्सपर्ट और हैं वीरेन जी, वो भी बताएंगे आपको। बताइए कोई और क्वेश्चन है आपका डॉक्टर मनीषा के लिए? हाँ पार्थो, पूछो जल्दी से क्वेश्चन। मैम जब हम सब मैम इतना मैम कहते हैं जैसे कि जो प्लास्टिक हो गया या जो रैपर्स होते हैं प्लास्टिक, उनको मैम हम जब कूड़े वाले जब आते हैं, मतलब जो हमारे डस्ट कलेक्टर आते हैं जो वैन लेकर या जो ट्रक लेकर आते हैं, तो ऐसे नियम क्यों नहीं लागू किए जाते हैं? अगर हम रैपर्स ज्यादा डालेंगे या जो हमारा प्लास्टिक का जो हमारा ज्यादा रहेगा, अगर प्लास्टिक हम ज्यादा डालेंगे तो उसके लिए हमें फाइन देना होगा? ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, इम्प्लीमेंट तो होना चाहिए, ये आइडिया इतना बढ़िया है। मैम अगर ऐसा हुआ तो मैम फिर लोग मैम फाइन देने के डर से मैम बहुत कम करेंगे प्लास्टिक को, सजा के डर से? तो देखिए डिसिप्लिन तो सजा के डर से ही आता है, तो आइडिया बहुत ही बढ़िया है। और ये रिंकी, ये आइडिया शायद सरकार तक पहुंचाना चाहिए। मैम जैसे बीच में चलान करके पूछिए, डिसिप्लिन मेंटेन करिए। कौन पूछना चाहता है? भविष्य जो काफी टाइम से आप लोगों के साथ, आप में से कुछ बच्चों के साथ पहले भी मिल चुके हैं और आपके उनके साथ इंटरेक्शन कर चुके हैं। अब देखते हैं हम आज वो हमें क्या बताएंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ जो हमारे नेक्स्ट एक्सपर्ट है वरेन खन्ना जी का, जो न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी के फाउंडर हैं और ये पायलट रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो पूरी तरह ये डिवोटेड हैं बच्चों के साथ और इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज पे। हेलो सर, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग, थैंक यू मैम। हेलो एवरीबॉडी, मैं पहले भी आपके स्कूल में आया था, हर साल हम आपके स्कूल में प्रोग्राम्स करते हैं, तो इस साल पेंडेमिक की वजह से हम ऐसे जूम कॉल में प्रोग्राम कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको एक छोटा वीडियो दिखा रहा हूँ जो हम काम करते हैं। ये वीडियो तो सबको वीडियो दिखा रहा हूँ? यस सर, तो इसमें आपने देखा होगा, यस सर, हम पक्षियों को बचाते हैं, पेड़ों को बचाते हैं और बहुत सारे स्कूल्स के साथ हम प्रोग्राम्स करते हैं, पेड़ पे चढ़ने का वर्कशॉप करते हैं। और अभी दिल्ली में हम कुछ लेक्स भी रिवाइव कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे पहले लेक होता था और काफी साल से लेक बंद हो गया या सूख गया, तो हम उन लेक्स में दोबारा पानी ले आ रहे हैं। आज हम दो तीन चीजें के बारे में बात करेंगे। अभी जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा था प्लास्टिक के बैग यूज हो रहे थे, तो उसके लिए हम क्लॉथ बैग बनाते हैं, मतलब कपड़े का बैग। जैसे ये एक सैंपल है,
या अपने घर पे भी बना सकते हैं, पुराना पिलो केस लेके या पुराना टी शर्ट लेके, देखो ऐसे खुलता है। तो घर पे कोई पुराना पिलो केस होगा तो उसका ऐसे क्लॉथ बैग बना सकते हो, कपड़े का बैग। फिर आप जब भी कुछ स्टेशनरी खरीदने जाओगे या कुछ सब्जी खरीदने जाओगे तो आप दुकान में बोल सकते हो कि हमें प्लास्टिक नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास कपड़े का बैग है। और ये आप धो सकते हो, सालों के लिए यूज कर सकते हो। तो प्लास्टिक का बैग अब कभी भी दूसरी बार यूज ही नहीं होता, हम एक ही बार यूज करके फेंक देते हैं। तो वो फेंकने से बहुत सारा कूड़ा बनने लग जाता है और उसकी वजह से हमारे पूरे पर्यावरण में बहुत गंदा इफेक्ट होता है। आपको आपके लिए एक एक्सरसाइज भी है, मैं आपको कंपोस्ट बनाने के लिए सिखाऊंगा कैसे बन सकता है घर पे। पहले एक छोटा वीडियो दिखाऊंगा उसके बाद में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बहुत ही छोटा एक मिनट का वीडियो। This is my kitchen waste. My kitchen waste is composted at home. Dry waste is collected by the garbage collector, and sometimes he takes mixed waste too. The kitchen waste from many houses gets composted in these pits. The final product is sold for 10 rupees a kg. Garden waste is composted and spread in the parks. Unsegregated waste gets burnt nearby, or it reaches inside cow stomachs. Air pollution in Delhi has poisonous chemicals. You could make a difference today. Start composting today. जी आप बताइए, बच्चे घर पे कैसे कंपोस्ट बना सकते हैं, अपने घर पे उन्हें क्या करना होगा बनाने के लिए? बहुत ही इजी तरीका मैं समझाऊंगा आपको, आप सब कर सकते हैं घर पे। पहले एक खाली गमला ले लो, ठीक है, वो खाली होना चाहिए। उसके अंदर आप अपना सारा किचन का छिलका सामान सब उसमें डाल सकते हो, सिर्फ गलने वाला सामान डालना है उसमें, जो चीज गलता है, जैसे केले के छिलके, पपाया के छिलके, पालक के पत्ते, ऐसे सब, ये सब गलता है ना, तो ये सब आप गमले में डालो। उसके ऊपर आप सूखे पत्ते भी डाल सकते हो और थोड़ा मिट्टी भी मिला सकते हो उसमें, और बस सिर्फ यही करना है और कंपोस्ट बन गया। मैं एक बार और समझाता हूँ, ये डायग्राम बनाया। तो पहले गमला चाहिए होगा, ठीक है, खाली गमला, स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू, छिलका, तो केले के छिलके, सेब के छिलके, ये सब, वो सारे छिलके गमले में डालने। तीसरा, सूखे पत्ते जो आपके घर के आसपास मिलेंगे, नीम के पत्ते बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। और लास्ट फोर, मिट्टी, आप मिट्टी भी डाल सकते हैं उसमें, और कुछ ही टाइम में, एक दो हफ्ते में वो सब पूरा रेडी हो जाएगा, कंपोस्ट बन जाएगा। और जब तैयार हो जाएगा, आपको कैसे पता होगा कि तैयार है कि नहीं है? तब पता चलेगा जब आप उसको देखोगे और कुछ पहचान नहीं पाओगे कि ये मिट्टी पहले शायद केले का छिलका होता था या सेब का छिलका होता था, वो सब मिट्टी बन जाएगा। एक दो हफ्ते में पूरा का पूरा मिट्टी बन जाएगा, वो आप अपने बाकी पौधों के पास रख सकते हो, उससे आपके पौधों को न्यूट्रिशन मिल रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे मिट्टी से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं ना, अपना खाने का न्यूट्रिशन मिट्टी से लेते हैं, तो वो न्यूट्रिशन मिट्टी से खत्म होते रहता है, तो हमको मिट्टी में नया न्यूट्रिशन डालना चाहिए। और ये कंपोस्ट सबसे बेस्ट मेथड है। जंगल में तो कोई जाता है भी नहीं, इंसान जाता ही नहीं वहाँ पे, और जंगल इतना हरा भरा है, ठीक है, वहाँ पे कोई नहीं जाता और
जितने भी पत्ते गिरते हैं जंगल में पेड़ों से, वो सारे पत्ते नीचे जमीन पे मिट्टी पे खाद बनते रहता है। जब वो खाद बनता है तो पेड़ों को, पेड़ पौधों को न्यूट्रिशन मिलते रहता है, इसलिए वो पूरा फॉरेस्ट, वो जंगल इतना हरा भरा है क्योंकि वो पूरे जमीन पे कंपोस्ट बन रहा है अपने आप नेचुरली। तो हम घर पे भी कंपोस्ट बना सकते हैं, अपना सारा छिलका सामान, पत्ते, मिट्टी, ये सब मिला के एक ही गमले में बना सकते हैं और फिर उसको अपने पौधों के पास फैला सकते हैं। इसके लिए कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वरेण जी से। आपको कंपोस्ट बनाने का उन्होंने बहुत आसान तरीका बताया है कि आपके घर में जो गमला है उसको खाली करके उसमें आप अपना किचन वेस्ट, सूखे पत्ते, वो सब डालकर एक साथ रख सकते हैं और एक दो हफ्ते में आपका बन सकता है, घर पे कंपोस्ट बन सकता है, सब गल जाएगा उसके अंदर। सर इसमें कुछ पानी वगैरह भी डालना होता है बच्चों को? नहीं नहीं पानी नहीं डालना, वो खुद ही बस उसको घुमाना है, ऊपर नीचे घुमाना है। हर दो तीन दिन में एक बार घुमा दो और फिर वो मिक्स होते रहेगा, टूटते रहेगा और फिर वो उसके अंदर कीड़े भी आएंगे, कीड़े उसको सब खा जाएंगे और सिर्फ मिट्टी रहेगा, फिर वो खाद उसको खाद तो, लाता है जी। और इसमें मिट्टी जो डालनी होगी वो कहाँ से लाएंगे बच्चे? कुछ भी जो मैदान वगैरह खाली जगह होती है वहां से मिट्टी डाल सकते हैं उसमें? वो कोई भी मिट्टी हो सकता है, कोई भी मिट्टी हो सकती है। गमले को ढक के रखना है? नहीं, उसको बाहर खुला ही रख लो, पूरा नेचुरली खाद बनते रहेगा। ओके। उसमें पहले सबसे छोटे कीड़े आएंगे, वो खाने लग जाएंगे, ठीक है, फिर उससे थोड़े और बड़े कीड़े आएंगे, वो छोटे कीड़े को खा जाएंगे, फिर शायद स्पाइडर आएगा उसको खाएगा, फिर चिड़िया आएगा, चिड़िया इन छोटे कीड़े को खा जाएगा। ये पूरा फूड साइकिल आपने पढ़ा होगा स्कूल में। बट सर जब हम इसमें कंपोस्ट बनाते हैं तब सर हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि हम कोई सूखी चीज ना डाले, जैसे कि प्याज के छिलके ऐसी चीजें डालेंगे तो वो कंपोस्ट में नहीं बदलेगा। नहीं, सारा गलने वाला चीज आप डाल सकते हो। यस सर, जो भी चीज गल सकता है ना पानी के साथ या मिट्टी में। हमने इसी तरीके से कंपोस्ट बना के हमारे घर के सारे गमलों में डाला है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये एक्सरसाइज है सबके लिए, आपको ये एक्सरसाइज करना है और अगले हफ्ते हम देखेंगे कि आपका कंपोस्ट कैसे बन रहा है। और जी और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? अगर हम लोगों ने इसमें पानी नहीं डाला तो सूख भी तो सकता है? आप थोड़ा पानी डाल सकते हो, उसको मिक्स करते रहना है, उसको ऊपर नीचे करते रहना है ताकि वो टूटते रहेगा और उसको हवा भी लगेगा और सब कुछ अच्छी तरह मिक्स होते रहेगा। तो इसमें पानी नहीं डालना है, आपको इसको हिलाते रहना है ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए आपकी मिट्टी। डीएच करने में क्या बता रहे हैं आप प्राची? की बात कर रही है। अच्छा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सर हमें कंपोस्ट को सनलाइट में भी रखना होता है? वो जरूरी नहीं है, खुले हवा में रखो। भक्ति आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, सनलाइट जरूरी नहीं है पर खुले में रखना जरूरी है ताकि हवा वगैरह जाए। और कोई पूछना चाहता है? हाँ जी सर, हमें एक दिन में उसे कितनी बार मिक्स करना है, जो कंपोस्ट हमें बनाना है उसे कितनी बार मिक्स करना होगा? दो तीन दिन के बाद एक बार उसको हिलाना है, तीन दिन बाद हिलाना, एक बार तीन दिन बाद हिलाना। हफ्ते में दो बार। सर एक डाउट पूछना है। हाँ पूछिए। क्या हमें इसकी सबसे ऊपर वाली लेयर मिट्टी से कवर करनी है? आप मिट्टी डालोगे फिर उसके बाद जब आप मिक्स करोगे सब ऊपर नीचे हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं। बस जब भी आप छिलके डालते हो तो उसके ऊपर थोड़े सूखे पत्ते या थोड़ा सा मिट्टी डाल दो और एक दो दिन उसको ऐसे बैठने रहने देना है, उसके बाद हिलाओ, उसको ऊपर नीचे करना है और हाँ ऐसे फिर आपको पता लग जाएगा कि ये खाद बन रहा है कि वैसे का वैसे ही रह गया।
ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी आपको एक हम असाइनमेंट दे रहे हैं। वरिण खन्ना जी ने जैसे बोला कि आपको अब नेक्स्ट एक फॉलो अप वेबिनार और होगा आपका नेक्स्ट सैटरडे को, तो आप लोग जो है कंपोज बनाने की कोशिश कीजिए और आप जो है वो दिखाएंगे हमें, ऐसे जो बना के लाएंगे वो आप हमें दिखाएंगे, तो हम देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हैं। जो नहीं भी बना पाए लेकिन आप कोशिश जरूर करिएगा। और एक और सजेशन जो हरिन खन्ना जी ने हमें दिया कि आप जानते हैं बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत धूप है आजकल, तो आप अपने घर के बाहर जो है मिट्टी के छोटे से प्याले में कोशिश करिए कि पक्षियों के लिए पानी रख सकें, और कोशिश कीजिए अगर आप उसकी फोटो खींच के हमारे साथ अगली बार शेयर कर सकें तो आपको भी अच्छा लगेगा कि आपके घर के मुंडेर पे बैठ के किसी ने पानी पिया। आप पानी का एक छोटा सा वहां पे प्याला रख के देखिए, मिट्टी का हो तो बहुत ही अच्छा है। तो अगली बार हम जो आपकी सैटरडे को एक और वेबिनार करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कितने बच्चे जो है वो फोटो खींच के लाए हैं पानी पीते हुए पक्षियों की। हाँ एक मिनट, और कंपोस्ट बनाने की ये आपकी एक्सरसाइज है, आप एक वीक में इसे कर सकते हैं। हाँ जी तनु बताइए। मैम मैं चिड़िया के लिए रोज पानी डालती हूँ। बहुत ही अच्छी बात है, तो बेटा आप उसको फोटो खींच के लाइएगा और अबकी बार जो है कंपोज बनाने का जैसे आपको बताया गया आप वो बनाइएगा। आप कोशिश करिए, बने ना बने पर कोशिश करनी है। हाँ जी अब बताइए कौन बात पूछ रहा है। तनु मैम हमारे पास अगर गमला अवेलेबल नहीं होता है तो फिर क्या हम उसे मिट्टी में कर सकते हैं? वरेण जी अगर बच्चों के पास गमला नहीं है तो वो कैसे करेंगे थोड़ा बताइएगा प्लीज। गमला नहीं है तो आप बाहर मिट्टी के ऊपर भी कर सकते हो, पर आप कैसे दिखाओगे हमको फिर क्लास? हमें कैसे दिखाओगे? अच्छा फोटो खींच के दिखा सकते हो, जहाँ भी बनाओगे कंपोस्ट फोटो खींच के भी बना सकते हो। अगर आपके पास मिट्टी का गमला नहीं है तो आप जहाँ भी जो भी कोशिश कर रहे हो कोशिश करो बेटा, क्योंकि कोशिश जरूरी है। कम से कम आप अपने घर का किचन वेस्ट तो यूटिलाइज करोगे ना, और प्लास्टिक यूज मत करना अभी, जैसे हमें मनीषा मैम ने भी बताया कि प्लास्टिक का यूज कम करना है, तो ये सब आपकी कोशिश है। हम सब आज आपके साथ क्यों बात कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप कोशिश करें, एक एक छोटा छोटा स्टेप उठाएंगे तभी आप कुछ करेंगे अपने एनवायरमेंट के लिए। वरेण जी आपका कोई मैसेज बच्चों के लिए? बस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हम अपने पर्यावरण को बचाएंगे नहीं, अगर हम सोचते रहेंगे कि कोई और आके बचाएगा हमारे पर्यावरण को तो वो समय कभी नहीं आने वाला, कोई और नहीं आके बचाएगा, सिर्फ हमारे हाथ में है, हमारे एक्शंस में है, और या तो हमारे एक्शंस पर्यावरण को बचा सकते हैं या और खराब कर सकते हैं। मनीषा जी आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को? मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि अपनी तरफ से जो हो सकता है आप करिए, ये मत सोचिए जैसे वरिन जी ने कहा कि कोई और आके बचाएगा, लेकिन जो आपसे बन पड़ता है आप कोशिश करिए अपनी तरफ से, चाहे कितनी छोटी सी भी चीज हो पर आप कोशिश करें। थैंक यू मनीषा जी। तो बच्चों ये आपका एक हफ्ता है अभी आपके पास, नेक्स्ट सैटरडे हम देखते हैं कितने बच्चे पिक्चर्स खींच के लाते हैं और सही में पक्षियों को पानी पिलाते हैं, और कंपोस्ट जो अभी बताया आप बनाने की कोशिश करिए। जो बच्चे नेक्स्ट सेमिनार में आएंगे और अपना आउटपुट लेकर आएंगे उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेगा। मैम हमें फोटोज क्लिक करके कहाँ पे भेजनी है? फोटो मत सोचिए, देखिए फोटो इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, आपकी कोशिश इम्पोर्टेंट है कि आप एनवायरनमेंट के लिए क्या कर रहे हैं। फोटो तो इसलिए कि आपको याद रहेगा कि ये चीज आपने करी है, तो ये फोटो खींचना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी कोशिश ज्यादा जरूरी है कि आपको हमेशा याद रहे कि आपने एनवायरनमेंट के लिए किया है। फोटो तो सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म में याद दिलाएगी कि ऐसी आपने कोशिश करी थी, तो आप ये जरूर करिएगा। जो आपको अगर कोई दिक्कत आती है या परेशानी आती है आप अपना क्वेश्चन जो है मैम को भेज सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा, हम आपको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। रेणुका मैम अब हम कर दें ये मीटिंग ओवर। थैंक यू मैम। हाँ जी रिंकी मैम आप प्लीज ओवर कर दीजिए। थैंक यू सो मच आपका, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और आप बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया। हम आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीक मिलेंगे शाम को। Okay, thank you, ma'am. Bye. Good evening, ma'am. Bye, ma'am.